हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को बात बताने जा रहा हूं, उम्मीद है कि आप भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं या जो लोग कहीं से भी अगर सफर करने वाले हैं। इसके अलावा एक कुदरत का करिश्मा आप लोगों को इस वीडियो में शो करूंगा, दिखाऊंगा वीडियो के साथ में, आप लोग देख लीजिएगा। उम्मीद है बहुत ही आपको चौंका देगा ये वीडियो। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मन में कोई सवाल हो कमेंट जरूर कीजिएगा। इस समय मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूं, क्यों डिस्टर्ब हूं ये भी बताऊंगा, इसलिए आप लोगों के कमेंट का मैं जवाब नहीं दे पाता हूं। लेकिन आप लोग कीजिएगा कमेंट जरूर, कोशिश करूंगा मैं आप लोगों के जवाब देने की, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली अपडेट जो है वो आप लोगों को, उन लोगों को ये बता दूं कि जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं, कहीं भी इस्तराहा में या गार्डन में कहीं घूमने जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको एक स्क्रीनशॉट शो करूंगा, देख लीजिएगा। इसमें 8 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो लोग लकड़ी जला रहे थे, और जबकि आपको पता है कि सऊदी हुकूमत ने कहीं पर भी ऐसी सार्वजनिक जगहों पर आग जलाने के लिए मना कर रखा है। तो ये लोग किसी गार्डन में है जो कि लकड़ी जला रहे थे, कुछ बना रहे होंगे, कुछ मुर्गी वगैरह तल फ्राई कर रहे होंगे, तो इसलिए इनको अरेस्ट किया गया है। जिसमें से इसमें बताया गया कि 3 जो है वो सऊदी थे, और जो थे वो पाकिस्तान के थे, और वहां मिस्र के और यमन के लोग थे। तो 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भैया आप ध्यान दीजिएगा, ऐसी छोटी गलती मत कीजिएगा। यह है तो गलती छोटी सी, पर आपको महंगी पड़ सकती है। एयरपोर्ट पर अगर आप जा रहे हैं, तो आप कहीं से भी जा रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा एयरपोर्ट का जो सिस्टम है ना, यानी GSCA, जो हर एक देश का DGCA GSCA हर होता है ना, एयरपोर्ट का जो कानून जो बनाते हैं, उनका कानून बहुत सख्त होता है और सबसे हटके होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक फोटो यहां पर शो करूंगा और वीडियो आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो में आप पहले देख लीजिएगा क्या हो रहा है, फिर बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा है, यहां पर एक औरत है जो कि कंप्यूटर वगैरह तोड़ रही है। क्यों तोड़ रही है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। यह कहानी है मेक्सिको की, ठीक है, जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस औरत का जो फ्लाइट है वो मिस हो गया, और उसके बाद में इसने रिफंड मांगा और रिफंड नहीं मिला। तो जब रिफंड नहीं मिला तो यह औरत गुस्सा हो गई, और उसके बाद में एयरपोर्ट पर जो कंप्यूटर वगैरह थे उनको सबको तोड़ने फोड़ने लगी। ये वहां पर एयरपोर्ट का जो नियम कानून है उसके अनुसार इस औरत को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ में क्या सलूक किया जाएगा ये तो नहीं पता। तो ये देखिए, वैसे बहुत बड़ी बात है, हम उम्मीद करते हैं कि हम जैसे अजनबी कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते, लेकिन गुस्सा को कंट्रोल करना बेहद ज्यादा जरूरी है। छोटी सी गलती और आपको हमेशा के लिए परमानेंट बैन कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को एक वीडियो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर काफी सारे डॉक्टर लगे हुए हैं। इसको हम कुदरत का करिश्मा भी कहेंगे। और यहां पर जो अपने इंडिया में कहा जाता है ना कि डॉक्टर एक भगवान का रूप भी होते हैं एक तरीके से, क्योंकि उनमें बचाने की क्षमता होती है। तो यहां पर इस वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि यहां पर क्या हुआ था कि 2 बच्चों को यहां पर सर्जरी किया गया। 2 बच्चे मतलब जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे और एक ही में सटे हुए थे, जिनका सर्जरी किया गया और उनको अलग अलग किया गया, और दोनों बच्चे सेफ भी हैं। यह बात है सीरिया की। अब सीरिया में जुड़वा बच्चों को पैदा होना और उसके बाद में फिर उनको अलग अलग करना, ये कहीं ना कहीं तो कुदरत का करिश्मा जरूर है, क्योंकि डॉक्टर भी एक तरीके से, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि डॉक्टर भी कहीं ना कहीं जो बचाने के काम करते हैं ना, उनको हमारे यहाँ इंडिया में भगवान का दर्जा दिया जाता है। ये कहा जाता है कि ये भी उनका कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा अंश जरूर है। तो यहां पर ये कुदरत का करिश्मा आप लोगों ने देखा, आप लोगों को कैसा लगा एक कमेंट जरूर कीजिएगा। जो लोग भाई हमारे दुबई में रहते हैं, उनके लिए इंपोर्टेंट अपडेट, अगर आप रेड लाइट क्रॉस करते हैं और रेड लाइट का इशारा तोड़ते हैं, तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। यही ये समझ लीजिए कि कुछ नहीं हो सकता। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, चाहे आप ड्राइवर हैं, चाहे आपकी खुद की गाड़ी कुछ भी है, तो एक स्क्रीनशॉट यहां पर देखिएगा, खलीज टाइम्स का, इसमें बताया गया है कि रेड लाइट को जंप करने के लिए यहां पर बताया गया है कि 50,000 दरहम का जुर्माना कर दिया जाएगा। 50,000 दरहम मामूली बात नहीं भाई साहब, बहुत हो गया। तो यहां पर जब हम कमाते ही 1500, 2000, 3000 हैं, भैया कहां से 50,000 रियाल हम भरेंगे।
तो बहुत ही मुश्किल चीज हो चुकी है। जितने भी भाई हमारे दुबई में काम करते हैं, गाड़ी वगैरह चलाते हैं, या उनकी अपनी खुद की गाड़ी है, जैसे भी आप कर रहे हो, तो भैया रेड लाइट होने से पहले यानी येलो बत्ती पर ही आपको खड़े हो जाना है, आगे मत बढ़ना। 50,000 रियाल बहुत ज्यादा रकम होता है। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।